उत्तराखंड का पौराणिक शहर जोशीमठ इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां भूधसाव से काफी तबाही हुई है, कई लोगों के आशियाने भूधसाव की वजह से छिन गए हैं। जोशीमठ की स्थापना हजारों साल पहले शंकराचार्य ने की थी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शंकराचार्य ने स्वयं के चार विद्यापीठों में से एक ज्योतिषमठ यहीं बनाया और इसे ज्योतिर्मठ नाम दिया था। जोशीमठ को लेकर इन दिनों कई कहानियों के चर्चे हो रहे हैं। एक भविष्यवाणी में तो ये भी कहा गया है कि बद्रीनाथ धाम एक दिन लुप्त हो जाएगा। इस कहानी के अलावा ऐसी और भी कई जनश्रुतियां हैं। आइए जानते हैं ऐसी पांच कवदंतियों के बारे में। नंबर एक, भगवान का नरसिंह अवतार। किंवदंती है कि भक्त प्रहलाद के आवाहन पर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और क्रोधित रूप में हिरण्यकश्यप का वध किया था। इसके बाद भी उनका रौद्र रूप शांत नहीं हो रहा था। ऐसे में भगवान विष्णु की अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी ने प्रहलाद से कहा कि वो जाकर भगवान को शांत करे। प्रहलाद के जाप के बाद भगवान नरसिंह शांत हुए और शांत स्वरूप में यहीं जोशीमठ में स्थापित हुए। भगवान बद्री विशाल सर्दियों में बद्रीनाथ धाम छोड़कर यहीं प्रवास करते हैं। नंबर दो, नर नारायण पर्वत से जुड़ी भविष्यवाणी। जोशीमठ के इस नरसिंह मंदिर के बारे में दावा किया जाता है कि यहाँ भगवान नरसिंह की दाहिनी भुजा पतली होती जा रही है। स्कंद पुराण के केदारखंड में सनत संहिता के मुताबिक जिस दिन यह बांह कटकर गिर जाएगी, उस दिन जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, तब भगवान बद्री विशाल एक नई जगह पूजे जाएंगे, भविष्य बद्री में, जो जोशीमठ से 19 किलोमीटर दूर तपोवन में है। नंबर तीन, आदि गुरु शंकराचार्य। एक कहानी आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ी है। जनश्रुति है कि उन्होंने 8वीं शताब्दी में यहीं तप किया था। आदि शंकराचार्य ने 815 ईस्वी में जिस शहतूत के पेड़ के नीचे साधना कर ज्ञान की प्राप्ति की थी, वो 36 मीटर गोलाई पुराना पेड़ आज भी मौजूद है। नंबर चार, स्वर्ग का द्वार। जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार कहे जाने के पीछे भी एक किंवदंती है। कहा जाता है कि पांडवों ने राजपाट छोड़कर स्वर्ग जाने का निश्चय किया तो जोशीमठ से इन्हीं पहाड़ों का रास्ता चुना। बद्रीनाथ से पहले स्थित पांडुकेश्वर को पांडवों की जन्मस्थली बताया जाता है। बद्रीनाथ के बाद माणा गांव पार करने के बाद एक शिखर आता है, स्वर्गारोहिणी। यहीं से पांडव अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव एक एक कर युधिष्ठिर का साथ छोड़ते गए। अंत में एक कुत्ता ही सदैव युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग गया। हालांकि जोशीमठ से आगे फूलों की घाटी और स्वर्ग जैसी सुंदरता लिए ओली की शुरुआत होती है, इसलिए भी जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। नंबर पांच, कत्यूरी राजवंश की राजधानी। जोशीमठ का संबंध 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र पर शासन करने वाले कत्यूरी राजवंश से भी बताया जाता है। कहा जाता है कि कत्यूरी शासन में जोशीमठ का नाम कीर्तिपुर था, जो उनकी राजधानी थी। कत्यूरी शासक ललित शूर के ताम्रपत्र में इसे कीर्तिपुर और कहीं कार्तिकेयपुर नाम की चर्चा है। माना जाता है कि कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कंटूरा वासुदेव ने यहां अपना शासन स्थापित किया था। इस राजवंश के राजाओं ने यहां हर तरफ मंदिरों की स्थापना करवाई और बाद में कीर्तिपुर को ही जोशीमठ कहा गया।